गाइस, ये बच्चे की फोटो मैंने सोशल मीडिया पे देखी थी, फेसबुक पर। जैसे ही मैंने देखा कि इस बच्चे को हेल्प चाहिए, तो मैंने ये फोटो पोस्ट करके फटाफट अपने पेज पर डाल दी, क्योंकि मुझे ये था कि अगर इतने लोग हमारे साथ ऐड है तो कोई ना कोई इस बच्चे की मदद के लिए ज़रूर आगे आएगा। तो गाइस, आज आप सोशल मीडिया की पावर देख लो। पोस्ट डालने के बाद बहुत से लोगों के मैसेज आए, बहुत से लोगों की कॉल्स भी आई मुझे। तो उसके बाद मेरी अमृतसर में एक अमीशा जी हैं, उनसे बात हुई। उसके बाद हमें पता लगा कि बच्चा जहाँ पर है वहाँ एक नीरज नाम का लड़का रहता है। तो जब हमारी नीरज से बात हुई तो नीरज को बोला गया कि आप बच्चे को वहाँ से फॉस्टर कर सकते हो। तो नीरज ने तुरंत उस बच्चे को वहाँ से उठाया, उस बच्चे को अपने घर लेके गया। घर ले जाने के बाद प्रॉपर उसकी केयर की। नीरज खुद जॉब करते हैं, लेकिन उन्होंने आसपास के लोगों से मदद लेके उस बच्चे को अपने घर 2 दिन रखा। और जब नीरज से बात की गई तो वो बोला कि मैं 2-3 दिन के लिए इस बच्चे को फॉस्टर कर सकता हूँ। तो उसके बाद अमीशा जी की मदद से पंचकुला में एक फैमिली है पंकज जी के नाम से, जो पैरालिस डॉग की केयर करते हैं। उनका इंस्टाग्राम पेज भी है जो फन फ्लफ के नाम से है। वो पैरालाइज डॉग की केयर करते हैं, पूरा इलाज करवाते हैं। उन्होंने घर में पैरावेट रखे हुए हैं, जिससे उन बच्चों को ठीक करके दोबारा उनकी जगह पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि कोई भी पैरालाइज्ड बच्चा ऐसे सड़कों पर सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इस बच्चे को वहाँ से पंचकुला लाने की तैयारी शुरू की गई। तो नीरज से बात हुई तो नीरज जॉब करते हैं, तो नीरज ने बोला कि संडे को मैं फ्री रहता हूँ, तो हम मिलजुल कर पहले तो कोई ऐसा बंदा ढूंढेंगे जो नंगल डैम से बच्चा को पंचकुला शिफ्ट करवा सके। हमने काफ़ी लोगों से पूछा, लेकिन खुद नीरज ने फैसला लिया इस बच्चे को वहाँ पहुँचाने का। अब देखो, नीरज ने इस बच्चे को यहाँ पहुँचा दिया। कितनी एक खुशी की बात है कि एक सोशल मीडिया की वजह से इस बच्चे को एक नई जिंदगी मिली, एक नई फैमिली मिली जहाँ इसका अच्छे से इलाज होगा। आई मीन, नीरज का जितना थैंक यू किया जाए बहुत कम है। इतनी दूर से इस बच्चे को 115 किलोमीटर दूर लेके आना, आजकल कोई अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए कोई इतना नहीं करता जितने कुछ लोग एनिमल्स के लिए इतना शिद्दत तक उनको प्यार दिखाते हैं, उनको बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो ये बच्चा अभी पंकज जी के पास है, तो जब ये बच्चा प्रॉपर ठीक हो जाएगा वो आपको अपडेट देंगे, तो हम भी डेफिनेटली वीडियो शेयर करेंगे। और थैंक यू सो मच उन लोगों का जिन्होंने उस वीडियो को इतना शेयर किया कि इस बच्चे को मदद मिल पाई। सच में सोशल मीडिया में बहुत बड़ी पावर, अगर उसको सही तरीके से यूज़ किया जाए लाखों बच्चों की जान बचाई जा सकती है ऐसे।